नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मुख्यमंत्री लाली बहना योजना के बारे में। आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं कि जो मुख्यमंत्री लाली बहना योजना का आपने आवेदन किया था, और आवेदन में जो आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को आप चेंज कैसे कर सकते हो, उसकी डिटेल में जानकारी आपको बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी माता बहनों को ये दिक्कत हो रही है कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो कि किसी अदर बैंक का, जैसे कि मतलब उनका अगर कुछ फाइनेंस वगैरह चल रहा है, या फिर उनका समूह वगैरह का जो फाइनेंस बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी बहनों के ऐसा हो गया है जिस कारण से उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इसी समस्या का समाधान आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो आपका लाड़ली बहना योजना में बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को आप चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा। तो कैसे होगा उसकी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको 100% जानकारी सही से मिल सके, और यहाँ पर जो लाली बहना योजना में आपका जो बैंक अकाउंट है प्रोफाइल में, उस बैंक अकाउंट को आप कैसे चेंज कर पाओगे उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो देखने को आपको मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं, बता दो प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता है कि मुख्यमंत्री लाली बहना योजना का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है, आवेदन एवं भुगतान की स्थिति। अगर यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके अपना पंजीकृत महिला यूज़र लॉगिन करके यहाँ पर आप लॉगिन करके पेज को देखोगे तो यहाँ पर आपको अपनी भुगतान की स्थिति सभी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर जो है आपका बैंक अकाउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, कौन से बैंक अकाउंट में आपको राशि मिल रही है वो आपको प्रोफाइल पूरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले ये वाले ऑप्शन पर, आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर आना है। तो इस पोर्टल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक करके यहाँ पर आवेदन एवं भुगतान की स्थिति चेक कर लेनी है। यहाँ पर आपको लाली बहना आवेदन क्रमांक या फिर सदस्य समग्र आईडी नंबर डालना है, दोनों में से कोई भी एक नंबर डालकर यहाँ पर आपको ये कैप्चर कोड इस बॉक्स में डालना है, और ओटीपी भेजा इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ओटीपी उस नंबर पर आएगी जो नंबर आपने लाली बहना योजना का जो आवेदन किया था, आवेदन करते टाइम जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएगी, और वो ओटीपी नंबर यहाँ पर आपको डालने के बाद खोजे पे क्लिक करके आपकी सारी जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी, आपके आवेदन की स्थिति शो हो जाएगी, और वहाँ पर जो भुगतान की स्थिति पर शो हो जाएगी। तो भुगतान की स्थिति पर आप क्लिक करके अपनी भुगतान की स्थिति पूरी देख कर वहाँ पर पता कर सकते हैं कौन से बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक किया था, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आप जो है भुगतान की स्थिति पर देखकर स्टेटस देखोगे तो आपको यहाँ पर आवेदन की स्थिति, आपत्ति एवं आपत्ति की स्थिति, और यहाँ पर भुगतान की स्थिति, तीन प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर भुगतान की स्थिति पर चेक क्लिक करके यहाँ पर आपको सबसे पहले भुगतान की स्थिति पर अपना बैंक अकाउंट एवं इस बैंक का नाम चेक कर लेना। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर बैंक का नाम शो हो जाएगा, जो भी बैंक है आपके यहाँ पर उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड्स हो जाएंगे, कौन सी बैंक अकाउंट आपको पेमेंट मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है बैंक खाता नंबर भी शो हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अगर ये चेंज करना है, और यहाँ पर आपको पता चल गया कि इस बैंक में आपका जो पैसा जा रहा है, अगर यहाँ पर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर जो बैंक अकाउंट आपका इसमें जुड़ा है वो डीबीटी इनेबल था, इस कारण से इसमें ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर अब आपको जैसे कि यहाँ पर अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, अगर उसमें डीबीटी एक्टिव है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अकाउंट इसमें ऐड हो गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, कौन सी भी बैंक अकाउंट का हो आपका अकाउंट, जैसे कोई सा भी बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी इनेबल है और यहाँ पर जो है आपका बैंक अकाउंट इसमें ऐड हो गया है, अगर यहाँ पर आपको इसको चेंज करना है तो अब यहाँ पर आपको एक न्यू अकाउंट ओपन करवाना है, और न्यू अकाउंट ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको बोलना है कि इसमें आधार लिंक एवं डीबीटी इनेबल होना चाहिए। तो वहाँ पर जो वो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसी टाइम पर जो है डीबीटी अगर एक्टिव करेंगे तो पुराना जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें ऑटोमेटिकली डी लिंक हो जाएगा, और यहाँ पर जो नया अकाउंट है उसमें एक्टिव हो जाएगा, आपका डीबीटी इनेबल हो जाएगा तुरंत ही। जैसे कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें जो है आपका पुराना अकाउंट ऑटोमेटिकली डी लिंक होके नया बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिव हो जाता है। जैसे कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट खुलवाते हो, जो पेमेंट बैंक अकाउंट है वो अगर आप खुलवाते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ पर अगर आपका पुराना डीबीटी आप डी लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर जो है आप अगर डिजिटल पेमेंट बैंक अकाउंट
का अकाउंट खुलवाते हो किसी भी बैंक का, तो यहाँ पर जो है आपका नए में डीबीटी एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका पैसा उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक ही लाली बना योजना पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर जो राशि है आपकी वो नए बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें डायरेक्टली डीबीटी इनेबल हो जाता है डायरेक्टली, और पुराने बैंक अकाउंट से वो हट जाता है जो कि नया बैंक अकाउंट डायरेक्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर अगर आप बैंक अकाउंट नया खुलवाते हो तो आपको यहाँ पर जो है तुरंत ही वहाँ पर जो है ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ पर पुराने अकाउंट से डीबीटी हटा के नए बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो आपका 100% यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा और नए बैंक अकाउंट में आपका जो राशि है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आ रहा था किसानों को वो पहले डायरेक्टली बैंक अकाउंट के माध्यम से आ रहा था, और वहाँ पर जो है जैसे ही बैंक अकाउंट चेंज हुए ऑटोमेटिकली उसमें बैंक अकाउंट सभी के चेंज हो गए और ऑटोमेटिकली डीबीटी के माध्यम से जो नया बैंक अकाउंट था किसानों का उन सभी को ऑटोमेटिकली पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता गया है। तो इस प्रकार ही यहाँ पर ये भी सिस्टम है कि यहाँ पर डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से ही पेमेंट आपको मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप नया बैंक अकाउंट खुलवाते हो, आपका कोई सा भी बैंक अकाउंट अगर आप नया खुलवाते हो तो डायरेक्टली उसमें डीबीटी इनेबल होना चाहिए तुरंत ही, और आपका जो है इसमें ऑटोमेटिकली वो बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा, जो लाली बना अकाउंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज होकर आपका नया बैंक अकाउंट में राशि आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर आपको अपना नया बैंक अकाउंट अगर चेंज करना है इसमें तो आपको नया बैंक अकाउंट खुलवा लेना है, ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो जाएगा, आपको यहाँ पर उसकी राशि ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसफर होती रहेगी। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।